press the bell icon for all updates. Congratulations for the show. Thank you. जानना चाहेंगे किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं आप दोनों, अपने किरदार के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। Ladies first. पूर्वा बेसिकली आज के ज़माने की एक मॉडर्न ज़माने की इंडिपेंडेंट वुमन है, तो काफ़ी यंग थी वो जब उसके पेरेंट्स चल बसे, तो उसके फैमिली में बस उसकी नानी है और उसकी छोटी बहन है जिसकी जिम्मेदारी पूर्वा ने उठाई हुई है. सो गिवन दैट सर्कमस्टांसिस वो ऐसी हो गई है कि सिचुएशंस को हैंडल करती है पर अपने तरीके से, क्योंकि दुनिया को देखने का नज़रिया उसका काफ़ी अलग है. शी लव्स अ लॉट बट सॉरी या सो हाँ, वो हमेशा अपने दिल से सोचती है, दिल का करती है, दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है बट एट द एंड ऑफ द डे मैनेज कर लेती है. ओके सर, आप बताना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आपके ऊपर, ये पूरा शो है, मेल ओरिएंटेड शो दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, किरदार को लेकर? हाँ यस. सो बेसिकली वेदांत त्रिपाठी एक ऑर्फन है जो वैद्य गंगाधर त्रिपाठी जी को मिले थे एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में, और वो उन्हें घर ले आते हैं उस बच्चे को, और अपने बेटे को बोलते हैं कि इसे पाल पोस के बड़ा करिए, बट उनका बेटा रमेश पसंद नहीं करता है वेदांत को. दादाजी चल बसते हैं और वेदांत बड़ा होके प्रयागराज का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट बन जाता है. खास बात यह है कि अभी परिवार में जो पालन पोषण चल रहा है वो वेदांत ही करता है, क्योंकि वेदांत अकेला कमा रहा है और वही सबका ख्याल रखता है. तो जहाँ किसी ने वेदांत को गोद लिया, वैसी साइमल्टेनियसली वेदांत ने भी पूरे परिवार को गोद ले लिया. तो ये कहानी का कोर हमारा स्ट्रक्चर है. ओके मैम, आप बताना चाहेंगे जैसे कि दिस इज़ अ मेल ओरिएंटेड, तो आपका किरदार किस तरह का फोकस करेगा एज अ शो वाइज, क्योंकि जो भी जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज होती है टीवी में अगर आप देखें, तो यहाँ पे मेल, तो आपका किरदार कैसा होगा? मतलब तो अच्छी बात है ना, अगर ज़्यादा ऑडियंसेस फीमेल्स हैं तो ऑब्वियसली शो ज़्यादा देखेंगे, बिकॉज हमारा यू नो द प्रोटैगनिस्ट इज़ अ मेल एंड अ वेरी हैंडसम मैन एट दैट. सो थैंक यू, आई डिडंट नो दैट. एनीवे सो या आई एम बेसिकली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इतना फ्रेश है कि एक आदमी कैसे एक परिवार को जोड़े रखने के लिए और अपने फैमिली को यू नो पास में रखने के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है. रिश्ता अगर उसको निभाना है तो निभाना है, वो कुछ भी कर जाएगा. सो या बींग अ पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, सो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लकी. ऐसा नहीं है कि पूर्वास कैरेक्टर यू नो बींग अ वुमन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब इसकी दोनों की शादी हो जाती है, आई थिंक पूर्वा इज़ दी ओनली यू नो सपोर्ट सिस्टम दैट वेदांत इज़ लेफ्ट विथ, क्योंकि इनका ये पहला ही रिश्ता है जो इनका अपना है, बाकी तो वो एक अडॉप्टेड फैमिली में बिलोंग करते हैं, तो शादी के बाद वाइफ. सो दैट्स हाउ. जैसे कि आपने कहा कि ये जो पहला रिश्ता है जो इनका अपना है, तो थोड़ा बहुत लव स्टोरी के बारे में तो जानना ही चाहेंगे, शो में प्यार है दोनों के बीच में या रोमांस कैसा है? तो मैं ये चाहूँगी कि राहुल आपके लिए आंसर करे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली उन्हीं को प्यार हो जाता है मेरे साथ, मैं तो पसंद ही नहीं करती. नहीं, सो एक्चुअली होता क्या है कि इनिशियली तो वी डोंट लाइक द बोथ द कैरेक्टर्स, दे डोंट लाइक ईच अदर, मगर पूर्वा की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज वेदांत इंसान ही इतना अच्छा है, तो उसको वो सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है उसके लिए. तो इस वजह से जब पहले सॉफ्ट कॉर्नर होता है, फिर शादी हो जाती है, फिर अब जब आप रोज़ किसी के साथ हैं 24 घंटे, और आप ऑलरेडी आपके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, तो धीरे धीरे यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल थिंग, ऐसा कुछ अब्रप्ट नहीं है, बट धीरे धीरे कहानी के साथ यस वेदांत फॉल्स इन लव विद. मैम ने तो आपकी तारीफ की और बिजनेस हेड ने भी आपकी तारीफ की, तो मैम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तारीफ अगर एक वर्ड बोले तो. और संभावना, यस, अंडररेटेड, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज वेरी अंडररेटेड एज एन एक्ट्रेस, एंड आई बिलीव शी कैन डू वेरी वेल, यू नो शी जस्ट नीड्स टू एक्सप्लोर हरसेल्फ मोर, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. ओके, प्रयागराज की कहानी है तो वहाँ के कुंभ मेला भी शुरू होने जा रहा है, तो कितनी आपने वहाँ पर मतलब आपने मजा किया वहाँ पे आउट गोइंग आप गए रहे? हम कुछ ही दिनों के लिए गए थे. हाँ, बहुत टाइट स्केड पे थे
और हमने कोशिश तो करी एक दिन आई थिंक वी वेंट टू संगम गए थे हाँ एक दिन हम लोग संगम गए थे सिर्फ घूमने के लिए शूटिंग करने नहीं तो वो एक हमारे को कितना 4 घंटे मिल गया था आई थिंक दैट वाज उसके अलावा हम यस वी रोम्ड ऑल अराउंड प्रयागराज क्योंकि एक्सटेंसिवली शूट किया गया है प्रयागराज के अंदर तो वही है बट मेजरली इट वाज शूटिंग थ्रू आउट वो मैनी ब्रिज ओल्ड ब्रिज न्यू ब्रिज जो हैं संगम के शॉट्स और हम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एक न्यायालय है वहाँ पे भी शूट करा सो वी ट्राइड एंड ट्राइड टू एक्सप्लोर एज मच एज वी कुड कहना चाहूँगा मैं ऑडियंस को कि प्लीज़ 15 जनवरी से रोज़ अपने टीवी स्क्रीन्स खोल लीजिएगा 6:30 बजे जी टीवी पे और राजा बेटा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा